हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं रोब्लॉक्स। और हाँ, आप लोग क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं गाइस। तो चलिए अपना गेम तो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बताना भूल गया कि स्पॉन्जी बॉय का एक न्यू स्केप आया गाइस रोब्लॉक्स के अंदर, तो आज मैं उसी को ट्राई करने वाला हूँ। देखता हूँ ये वाला कैसा गेम है, ये ज़्यादा क्रिपी हो सकता है या फिर हॉरर हो सकता है, वैसे मुझे तो नहीं पता। बट अभी चलिए मैं इस वाले डब्बे से कूद कूद के आगे निकलता हूँ, उसके बाद ही मुझे पता चलेगा कि आगे आखिर है तो है क्या। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। उससे पहले गाइस आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वो जो नीचे एक सफ़ेद कलर का सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे दबा दो यार। मैं कभी नहीं बोलता हूँ, आज दबा दिया। चलिए गाइस अब मैं अपना गेम स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल ये जो आप सामने जियांट मॉन्स्टर देख रहे हैं ना, यही है स्पॉन्जी बॉय। तो अभी गाइस हमें इससे बच के निकलना होगा उस तरफ, जो कि शायद से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी होने वाला है, क्योंकि ये अपने हाथ में एक तवा, क्या बोलते हैं इसको, छन्नी है क्या, ये छन्नी पकड़ा हुआ है गाइस। किसी भी वक्त मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तो मुझे इससे थोड़ा बच के रहना होगा। फिलहाल मुझे सिर्फ इन कुकीज़ में पैर रखनी है। कुकीज़ है या फिर बर्गर है यार, वैसे मुझे तो शायद से बर्गर लग रहा है और ये ब्रेड है। तो चलिए हमने ये वाला तो पार कर लिया, बाकी वो बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर था गाइस। तो अभी हमें गाइस इस वाले फ्रेंकल्स यहाँ पे बन रहे हैं क्या। अरे मुझे तेल में नहीं गिरना था यार। ऑल राइट गाइस, मैं दोबारा से आ चुका हूँ, क्योंकि मैं यार इस लाबे में गिर गया था, तो इस बार मैं थोड़ा संभाल कर जाऊँगा, क्योंकि मुझे दोबारा नहीं गिरना है भाई। और मैं यहाँ से ये मैं छलांग लगा दिया, और शायद से ये जो ला ये तेल है, और तेल में शायद से ऊपर शायद से आलू के फ्रेंकल्स वगैरह है ना। बाकी क्या बोलना चाहता है ये जो छोटा रोबोट है, इससे मैं बात करता हूँ। क्यों यूज़ दिस बबल्स टू गेट द अदर साइड। अरे ये मुझे बता रहा है कि आपको इस बबल को यूज़ करके उधर जाना है, इतना मेरे को पता है भाई। मैं पहली बार थोड़ी ना रोब्लॉक्स खेल रहा हूँ। फिलहाल गाइस अभी मैं इस गुब्बारे के ऊपर से कूद कूद के आगे तो आ चुका हूँ, बट यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं भाई। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जो लेयर है, मुझे इसमें पैर नहीं रखना है, वरना मैं आउट भी हो सकता हूँ। फिलहाल मेरे अगल बगल शायद से टमाटर के स्लाइड और शायद से केचप वगैरह रखे हुए हैं। हो, एक और नया बंदा ये आ गया। ये कहाँ से आ गया भाई, ये तो मेरे से आगे चल रहा था शायद से। और इसने अपना नाम क्या रखा है, टोब्लॉक्स ही है ना, वैसे मुझे दिख नहीं पा रहा। हाँ, टोबोटैक्स, ये कैसा नाम है भाई, इससे अच्छा तो मेरा ही नाम है। तो अरे भाई ये बंदा देख रहे, एकदम प्रो बंदा लग रहा है मेरे को तो ये। मैं तो इतना तेज़ी से कभी नहीं कर पाऊँगा, बट कोशिश करता हूँ शायद मैं भी उसी की तरह जल्दी जल्दी ये वाला नाइफ को पार कर दूँ। ऑल राइट गाइस, मैंने पार कर दिए, बट अभी हमें यहाँ से नीचे कूदना है क्या। मेरे को लगा मैं तो आउट हो गया, बट बच गया यार, नीचे डंबल था। और ये बंदा क्या बोलना चाहता है, आई नो व्हाट टू डू। हाँ, मैं जानता हूँ, क्विक जंप ऑन दिस फेटीज। यस ब्रो, मुझे इतना पता है वो, टू गेट टू दैट डोर ओवर देयर। अच्छा गाइस, तो अभी मुझे इन बर्गर के ऊपर कूद के जाना होगा। इसने बोला है कि ये बर्गर का स्पेस थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, तो तुम्हें लंबी छलांग की एक पावर मिल जाएगी, जिससे तुम और भी लंबी छलांग लगा सकते हो। तो अभी हमें लंबी छलांग लगा गाइस जाना है उस डोर तक, जो कि आप सामने वाला डोर देख रहे हो ना, बस वहीं तक हमें पहुँचना है। और मैं गिरूँ ना। ओह, मेरे को लगा मैं तो आउट हो गया। अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या था, ये मैं कहाँ पहुँच गया, ये मैं किसी जियांट मॉन्स्टर के अंदर आ गया हूँ क्या भाई। ओ नो, वी गॉट ईटन बाय द जियांट क्रैबी पेटी। और ये गाइस मुझे किसी जियांट बर्गर ने गाइस मुझे खा लिया है, ये तो गलत बात है भाई। तो अभी हमें गाइस इसके अंदर से निकलना होगा भाई। ऐसा क्यों यार, मुझे पेटीज ने क्यों खा लिया। अरे पेटीज नहीं, वो बर्गर था, और वो बंदा जो ज़्यादा कूद रहा था ना, प्रो बन रहा था, वो देखिए आउट हो चुका है। तो अभी मैं आराम से जाता हूँ यहाँ से। वैसे मैं इस मॉन्स्टर के अंदर कैसे आ गया भाई, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसके अंदर ये सब क्या बनी हुई है, ये तो कबाब वबाब मेरे को लगता है। तो ऑल राइट गाइस, अभी मैं यहाँ से तो निकलता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं देखता हूँ कि आगे हमें करना क्या है। और यहाँ पे शायद से कुछ ये टमाटर की स्लाइस है, या फिर कुछ और है यार, या फिर मीट की स्लाइस भी हो सकती है। वैसे ये बनी बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता, हॉट डॉग। अरे मैं तो आउट हो गया यार। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इस बार मुझे कोई गलती नहीं करना है। और मुझे ये जो येलो शायद से सॉस है, तो मुझे इस सॉस में बिल्कुल भी टच नहीं होना है, वरना मैं आउट हो सकता हूँ भाई। तो इसलिए मैं एकदम आराम जाऊँगा गाइस, और प्रो प्लेयर की तरह। और ये पार होने ही वाला है, बस थोड़ा सा और बचा है एक, और ये लास्ट, ये हुई ना बात। फिलहाल मैंने अपना ये वाला टास्क तो कम्प्लीट कर दिया, ये वाला
जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ टास्क और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, हमें अभी इनाम लेट में कूदना है, ये मेरे लिए आसान है, ईजी है, तो ये मैं आराम से कर सकता हूँ। फिलहाल ये देखो, ये स्पॉन्जी बॉय बना हुआ है जो हमें चेक पॉइंट दे रहा है। और अब भाई मुझे कहाँ जाना है? अच्छा, मुझे यहीं से जाना है भाई, ये थोड़ा डेंजर रास्ता मेरे को लग रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं गाइस, आपका भाई है ना। और चल 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 रॉब्लेक्स, मैं बात करने के चक्कर में मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं नहीं गिरूँगा, मैं एकदम आराम आराम चलूँगा। और ये और नीचे बहुत सारी यार, ये आलू की जो फ्रेंच फ्राइज बनती है वही है ना, फ्रेंच फ्राइज पड़ी हुई हैं, और अभी मुझे इन फ्रेंच फ्राइज में कूद के ही जाना पड़ेगा भाई। पता नहीं ये वाला गेम कितना लंबा होने वाला है, बट मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में, आप लोग को भी आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ गाइस, और मुझे भरोसा भी है। फिलहाल ये साथ से पोटैटो हैं, पोटैटो के ऊपर अभी हमें जंप लगाना है। और मैं जब इस जगह पे आता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एकदम संभाल संभाल के चलूँ, क्योंकि यदि मैं नीचे गिरा तो मैं आउट हो जाऊँगा, और मैं आउट होना नहीं चाहता हूँ। अरे ये क्या हो गया था, मेरी बटन ही काम करने बंद हो गई थी। फिलहाल मैं पहुँचने वाला हूँ, ए बस ये पहुँच गए, अब देखते हैं कि हम किस लोकेशन पर जाने वाले हैं। कोई डेंजर लोकेशन है तो और भी ज़्यादा मज़ा है। फिलहाल हमें हमारा चेक पॉइंट मिल चुका है गाइस, और अभी शायद से हमें ये थोड़ा यार अलग पजल है, बट कोई दिक्कत नहीं, शायद से हमें इन जंपर के ऊपर चढ़ के फिर जंप लगाना है। और ये क्या आ गया भाई, साइड हो, तो मुझे अभी गाइस इस जंपर के ऊपर चढ़ना है और यहाँ थोड़ा संभाल के जाना है, एक नंबर, ये हुई ना बात। और गाइस आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको रॉब्लेक्स वाली ये सीरीज़ पसंद आ रही है, या फिर मैं इस सीरीज़ को बनाना बंद कर दूँ। आप लोग जैसा कमेंट करोगे मैं वैसे ही इस रॉब्लेक्स को बनाऊँगा, वरना नहीं भी बनाऊँगा, क्योंकि मेरा जो पैसन है वो कई अलग अलग गेम को खेलने का है, तो मैं बहुत ही अलग अलग गेम इस बार ट्राई भी करने वाला हूँ। तो 2023 में गाइस हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फिलहाल मैं अभी किसी न्यू लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर कुछ फ्रेंच प्राइज रखी हुई हैं और ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं। अच्छा, मैं उस मॉन्स्टर के अंदर हूँ, मैं तो भूल ही गया था, उस जियांट मॉन्स्टर ने मुझे गाइस अटक लिया था अपने अंदर, या फिर खा लिया था पता नहीं यार, और हम उसके अंदर आ गए थे। तो अभी हमें गाइस यहाँ से निकलना ही होगा, मुझे लगता है ये इसकी हड्डियाँ हैं क्या, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। वैसे ये सीढ़ियाँ काफ़ी ज़्यादा लंबी थी यार, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिलहाल ये हम किसी न्यू लोकेशन पर आ चुके हैं, और ये छोटा बच्चा खड़ा हुआ है फिर से इस बार। दिस ह्यूज चीज़ फ्लोर इज़ मूविंग टू फास्ट, अरे ये जो फ्लोर है गाइस ये बहुत तेज, मतलब इसमें मैं गाइस एकदम स्लाइड होने वाला हूँ, फिसलने वाला हूँ, तो मुझे थोड़ा बच के इसमें से निकलना होगा। तो अब देखता है कि आपका भाई कर पाता है या फिर नहीं। देखिए ये बंदा गया ना, अरे वो तो आउट ही हो गया, बट मेरे, अरे यार मैं भी आउट हो गया। देख रहे हैं गाइस ये कितना तेज फिसल रहा है यार, मुझे इसमें से गाइस बहुत ही तेज़ी रफ्तार से निकलना होगा, तभी मैं पार कर पाऊँगा। तो चलिए एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, और जंप जंप जंप, ये हुई ना बात। ओ एक और है, जंप, मैं बच गया। अरे एक और है भाई, जंप जंप, ये हुई ना बात। मेरे को लगा मैं तो गया यार, बट मैंने कर दिखाया, एक नंबर। और ये मैं किस लोकेशन पे आ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, भूल भुलैया है क्या? ओ नहीं, ये नीचे जाने वाला ढलानी वाला रास्ता है ना। अरे अच्छा, मैं किसी न्यू लोकेशन पे पहुँच गया, मेरे को लगा मैं जंप करूँगा बट मैंने जंप नहीं किए। और ये मैं किस रूम में लॉक हो चुका हूँ भाई, यस वी एस्केप्ड फॉर द, अच्छा देखिए गाइस यही है वो जियांट, ये तो बर्गर है भाई, हम इस बर्गर के अंदर गाइस अभी तक एस्केप कर रहे थे, और अभी हम उस बर्गर से बाहर आ चुके हैं। और ये बंदा हमें बोल रहा है कि तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए कोई सी बटन ढूंढनी होगी जो कि सीक्रेट जगह पे है, ए सीक्रेट, मुझे कोई सीक्रेट लॉक खोलना होगा गाइस, जो कि यार इसने बोला है कि तुम्हें पासवर्ड अपने खुद ही से फाइंड करना होगा। तो अब देखता हूँ गाइस कि आखिर ये वाला डोर कैसे खुलता है, तो मुझे यहाँ पर देखना है और मुझे गाइस पासवर्ड गेस करना है। तो ये देखिए, सबसे पहला पासवर्ड है RY, उसके बाद D, ये जो ब्लैक कलर में है, D के बाद G हो गया, उसके बाद B, तो मुझे अभी इस ब्लू वाले, जिसमें ब्लू वाली जो पाइप है उसमें B लिखा है, और फाइनली हमारा गेट खुल चुका है, ये हुई ना बात, मैं बहुत ही जल्दी से समझ गया था। और ये हम कहाँ आ गए भाई, ये तो हम किसी लॉकर के अंदर आ गए हैं गाइस, जहाँ पैसे पैसे रखे हुए हैं। ये शायद से गाइस स्पॉन्जी बॉय का मनी रूम है, जिसके अंदर ये बहुत ही सारे पैसे रखता है। तो अभी हमें गाइस इस पैसों के ऊपर से जंप करके यहाँ से निकलना होगा, और शायद से यही वाला सही रास्ता है। और वो नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था जो कि हमें एडवाइस दे रहा था, गाइड कर रहा था, तो हमने उसकी बात तो मान ली है। अब मुझे गाइस जाना है उस तरफ, यहाँ से निकलना है। वैसे ये वाली जंप, ओह मैंने मार ली यार, मुझे लगा ये जंप काफ़ी लंबी है, बट नहीं, ये छोटी जंप थी। और ये शायद से सिक्के हैं भाई, कितने सारे सिक्के हैं, चलो मैं इन सिक्के के ऊपर छलांग लगाता हूँ। और ये लास्ट है भाई, मैं सोचा मैं तो गिर गया यार, बट मैं बच गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये फिर से वेंट आ गई, वेंट मुझे बहुत ही गलत लगती है यार, तो इस वेंट से मैं निकलता हूँ जल्दी से।
ऑल राइट गाइस, तभी मैं दूसरी लोकेशन पर जाने वाला हूँ। ओ ये क्या हो गया भाई, मैं तो यहाँ से बाहर आ गया और अभी मुझे इस रोड में चल के जाना है गाइस। अरे ये मैं इतना तेज कैसे दौड़ने लगा भाई, अरे मैं तो बहुत ही फास्ट दौड़ रहा हूँ और मुझे इसमें से जंप भी लगाना होगा। ये जो पता नहीं क्या रखी हुई है यहाँ पर, मैं भूल गया इनका नाम। फिलहाल यहाँ पे पुलिस भी है गाइस, तो मुझे थोड़ा संभल के जाना होगा क्योंकि उस वो जो गाइडर था ना, उसने मेरे को अलर्ट कर दिया था कि तुम्हें इस रोड से थोड़ा बच के जाना है। फिलहाल मुझे अभी शायद से किसी न्यू होम में जाना है गाइस, और वहीं से शायद से हमारा ये जो मिशन है वो शायद से एंड होने वाला है, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। फिलहाल अभी मैं कोई गलती नहीं करूँगा, एकदम आराम आराम जाऊँगा। और अब मुझे आगे वाले रूम में जाना चाहिए, हाँ ये जो पाइन एप्पल वाला है, इसी वाले रूम में मेरे को जाना है। और यहाँ पे शॉप सेल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो हमें शॉपिंग वगैरह भी नहीं करनी है। फिलहाल अभी मुझे जाना है इसके अंदर, और अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है। शायद से मैंने इस गेम को नहीं, अभी थोड़ा सा और बचा है, ये हमारा लास्ट मिशन होने वाला है गाइस। देयर इज़ अ बटन टू ओपन द डोर, गो फाइंड इट। अभी मुझे इस रूम से गाइस एक बटन को फाइंड करना है जो कि किसी सीक्रेट जगह पे है। अब वो सीक्रेट जगह कौन सी है, मुझे अभी भी वो सीक्रेट जगह नहीं मिली है। अरे ये क्या हो गया, मैं तो इस कमरे के आर पार हो गया। अच्छा वो रहा वो रेड बटन जो कि हमें फाइंड करना था। तो फाइनली गाइस मुझे रेड बटन भी मिल चुका है, क्योंकि मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रहा था, बट मुझे पता चला वो डोर यार ऐसे ही था। और ये देखिए हमारा एक न्यू डोर खुल चुका है इतना जल्दी। अरे यार मैंने सोचा अभी ये गेम और आगे तक जाएगा, बट नहीं यार, ये वाला गेम यहीं ख़त्म होता है गाइस। आई होप आपकी वाली वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।